आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने रिटायरमेंट का पैसा हम म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें जानेंगे इस वीडियो में। अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते वक्त आपको ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अब आप जॉब नहीं कर रहे हैं, वहाँ से आपको मंथली सैलरी नहीं मिल रहा है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान आप बना रहे हैं वहाँ से आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपका मंथली रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, उतना पैसा आपको एवरी मंथ मिल सके। नंबर सेकंड, कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए, आपका जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस है वो लिमिटेड अमाउंट है, तो यहाँ अब आप जॉब कर नहीं रहे हैं कि उस रिटायरमेंट कॉर्पस में और भी अलग से आप पैसा ऐड ऑन करें, तो ये जो भी पैसा है आपको इंश्योर करना है कि ये पैसा आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें वहाँ पे अननेसेसरी रिस्क नहीं लें। नंबर थर्ड, कैपिटल अप्रिसिएशन आपको ध्यान में रखना है इन्फ्लेशन का। देखिए, जो भी पैसा फिलहाल आप मंथली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करें, सपोज आप 1 लाख रुपीज़ का आपका मंथली एक्सपेंसेस है, तो 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद ये 1 लाख का वैल्यू ऑफकोर्स कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। उस समय जो फिलहाल आप 1 लाख में जो सामान खरीद पा रहे हैं या जो सर्विसेज अवेल कर पा रहे हैं वो 5 या 10 ईयर्स के बाद 1 लाख में शायद आपको नहीं मिले, वहाँ पे आपको 1.2 लाख या फिर 1.4 लाख का एक्सपेंस करना होगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका कैपिटल है या जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस है, ट्राई करना है कि उसे सेंसिबल तरीके से बिना बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हुए बढ़ाते रहना है। कैपिटल प्रोटेक्शन और कैपिटल अप्रिसिएशन, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ बोला जा रहा है कि जो भी पैसा है उसमें से लॉस नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि आपको ट्राई करना है कि उसे बढ़ाना भी है। तो ऑफ कोर्स जब भी आप अपना कैपिटल बढ़ाओगे तो वहाँ पे रिस्क आएगा, तो इन दोनों को किस तरह से बैलेंस आउट करना है ताकि बिना ज़्यादा रिस्क लिए हुए हम अपना कैपिटल भी अप्रिसिएट कर सकें, इसके बारे में भी आगे हम वीडियो में जाने। अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इन्वेस्ट करने से पहले आप इंश्योर करें कि आपके पास सफिशियंट हेल्थ कवर जरूर हो। मैं हेल्थ कवर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सफिशियंट हेल्थ कवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हेल्थ कवर आपका हो वो एक अच्छे अमाउंट का हो। आपको पता है जो एक्सपेंसेस हैं रिटायरमेंट के बाद, जो डिजीज़ होने के चांसेस, बीमार पड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे खर्च काफ़ी आ सकता है, और ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट हेल्थ कवर होना ही चाहिए। तो ये सफिशिएंट हेल्थ कवर कितना होगा, तो देखिए ट्राई करें कि जो बेस कवर होता है वो 10 to 20 lakhs। ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए 5 lakh भी सफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि देखिए ये आपका कॉर्पस कितना है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा, उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, रफली अगर 10 to 20 lakhs का बेस्ट कवर अगर पॉसिबल है तो ज़रूर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लें तो और अच्छा है, और उसके ऊपर सुपर टॉप अप ले लें। सुपर टॉप अप का प्रीमियम काफ़ी कम आएगा। सुपर टॉप अप कवर का मतलब ये होता है कि एक बार ये जो आपका बेस कवर का पैसा है, जो मेन इंश्योरेंस है, सपोज आपने 10 या 20 lakhs का लिया हुआ, वो पैसा एक बार खर्च हो गया, उसके बाद अगर आपको पैसे की खर्च है तो सुपर टॉप अप से वो पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ट्राई करें कि सुपर टॉप अप अच्छा खासा अमाउंट का लें, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कम होता है, तो ट्राई करें 20, 30, 40 lakhs के आसपास ओवरऑल कवर जरूर रखें। ऑफ कोर्स ये वेरी करेगा, काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कि इवन 75 lakhs, 1 crore का भी कवर लेते हैं, लेकिन 20, 30 lakhs का कवर तो रखना ही चाहिए। सफिशियंट हेल्थ कवर के बाद नंबर सेकेंड, आपको इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। 5 to 10 lakhs का अमाउंट अलग जरूर रखें। ऑफकोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट भी रख सकते हैं। तो ये पैसा क्यों चाहिए, देखिए अगर किसी तरह का कोई डिजीज़ होता है, किसी तरह का बीमारी होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे जो भी हेल्थ कवर है पूरा पैसा तो देंगे नहीं, कई बार आपको पॉकेट से भी थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, तो ये पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी अननोन खर्चे आ जाते हैं जिसके बारे में हमने पहले सोचा भी ना हो, ऑल ऑफ सडन आ जाएगा, उसके लिए आप ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड, कभी कभी हमारा मंथली खर्चा ही ज़्यादा हो जाता है, किसी महीने में ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो वहाँ भी ये जो इमरजेंसी फंड है आप यूज़ कर सकते हैं। अब है कि ये इमरजेंसी फंड हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड आप 2 जगह रख सकते हैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो FD में रखें, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इन दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। जब भी आपके पास कोई सरप्लस पैसा हो और आप उसे डेट म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक थंब रूल आप हमेशा याद में रखें। अगर आप 6 months तक वो पैसा रखना चाहते हैं डेट में, तो उसके लिए आपके लिए लिक्विड फंड सफिशियंट होगा। 6 months to 12 months के लिए अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड आपके लिए अच्छा होगा।
12 मंथ से ज़्यादा, दैट इज़ 1 ईयर से ज़्यादा अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट फंड आपके लिए सुटेबल होगा। नाउ हम जान लेते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस का अगर कुछ पैसा हमें म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट प्लान इन 4 पॉइंट्स पे मोस्टली डिपेंड करेगा। नंबर 1, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। नंबर 2, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। नंबर 3, आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसका अमाउंट कितना है। और नंबर 4, आपको मंथली कितने पैसों की ज़रूरत है। अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करते वक्त ध्यान में रखिए कि ये रिटायरमेंट का पैसा है। यहाँ पे अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव आता है फिर भी आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है एज अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर की तरह। यहाँ पे आप एक एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करते वक्त अगर आपको लगता है कि आप कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, दैट इज़ आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस ऑफकोर्स आपके लिए बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि एफडी में पैसा रखें या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में अपना पैसा रखें। तो इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एज अ इन्वेस्टर अगर आपको रिटायरमेंट कॉर्पस इन्वेस्ट करना है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट होराइजन। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन जनरली जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखिए, जो कि काफ़ी अच्छा है इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन जब भी आप रिटायरमेंट का कॉर्पस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म व्यूज़ हम नहीं लेंगे। जो भी हम इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे वहाँ पे सिर्फ हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का व्यू लेंगे, वहाँ पे लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं लेंगे। अपने लिए सुटेबल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए हमें जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसे 4 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट होगा 1-2 ईयर्स का, सेकेंड होगा 2-3 ईयर्स का, ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा ओवरलैप है, थर्ड होगा 3-5 ईयर्स का, और फोर्थ होगा मोर देन 5 ईयर्स का। आपके फर्स्ट 1-2 ईयर इन्वेस्टमेंट के बाद हमें प्लान करना है सेकेंड टू थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे ओवरलैप है 2 ईयर्स का ना, पहले भी 2 ईयर्स आ रहा है, सेकेंड में भी 2 ईयर्स आ रहा है। तो यहाँ देखिए वो इसलिए है क्योंकि आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं चाहते हैं तो ट्राई करें कि फर्स्ट 2 ईयर्स का पूरा पैसा आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही रखें, और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं ताकि पैसे को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए तो वहाँ पे 2-3 ईयर होराइजन के लिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल कॉर्पस का 10-25% इक्विटी में और बाकी पूरा पैसा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी का कंपोनेंट है तो थोड़ा रिस्क है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए तो फर्स्ट 2 ईयर्स का पैसा शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दें, और थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं इन दैट केस सेकेंड और थर्ड ईयर का पैसा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाल दें। तो उसके बाद जो जब तक आपका शॉर्ट टर्म डेट फंड का SWP चल रहा है तो वहाँ से चलाएं, जब वो पैसा खत्म होने लगे तो उसके बाद आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से अपना SWP का पैसा ले सकते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट 3 ईयर्स का प्लान कर लिया। नाउ 3-5 ईयर का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करेगा बेसिस मार्केट कंडीशन कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है और डेट में कितना इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मिक्सचर है इक्विटी डेट, तो प्योर इक्विटी से यहाँ पे रिस्क कम होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 3-5 ईयर्स का है, रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट सुटेबल हो सकता है। नाउ वैसा पैसा जो कि 5 ईयर से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है और वहाँ पे इन्वेस्टर रिस्क भी लेना चाहता है ताकि थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके, तो वहाँ पे आपके लिए सुटेबल हो सकता है लार्ज कैप के इक्विटी फंड्स। लार्ज कैप में ऑफ कोर्स बेसिस योर कंफर्ट, या तो आप इंडेक्स फंड के लिए जा सकते हैं या फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखें कि रिटायरमेंट का जो पैसा है उसे मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करें, या किसी भी सेक्टर या थीमेटिक फंड में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए तो वहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसा फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में हो और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में हो, नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन हाँ अगर आपको करना है तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। 5 ईयर प्लस के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहाँ भी किया जा सकता है। स्टॉक्स में भी ऑफ कोर्स मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक से बिल्कुल दूर रखना है। वेल नो लार्ज कैप के स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है या फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट
से आप कांटेक्ट में है जो कि आपको एडवाइस दे रहा है, जिसे मार्केट का काफ़ी अच्छा आइडिया, तभी करें, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करें, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि वेल नोन नाम हो, वो तो सही है, लेकिन साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी उस कंपनी का काफ़ी अच्छा हो और वैल्यूएशंस ज़्यादा नहीं हो, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो, लेकिन रीजनेबल ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स का, हमें रिटर्न थोड़ा जल्दी चाहिए। तो इसीलिए लार्ज कैप के वेल नोन नेम्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ट्राई करें कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो। नाउ हम जान लेते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो नंबर वन, देखिए आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे इन्वेस्टर जो कि अपना रिटायरमेंट कॉर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा या फिर ज़्यादातर हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में। और सबसे बड़ा इशू ये है कि इन्वेस्टर्स के पास मार्केट का या म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। देखिए अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें, अगर आपको करना है तो किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट के साथ मिलकर करें, वैसा एक्सपर्ट जिसे मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया हो उसके साथ, नहीं तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर आपको मार्केट का अच्छा आइडिया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का बेसिक आइडिया है, स्टॉक्स का बहुत अच्छा आइडिया है, तभी ज़्यादा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करें, नहीं तो नहीं करें। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक मार्केट है, ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, कई बार ऊपर जाएगा कई बार नीचे जाएगा। सपोज़ आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, मार्केट अनफॉर्चुनेटली गिर गया 20% से, तो 10 लाख रुपीज़ अब आपका 8 लाख रुपीज़ बन जाएगा। अब 8 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको 20% नहीं 25% का रिटर्न जनरेट करना होगा। तो जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करने जाएं तो इस बात को ध्यान में रखिए। ऑफ कोर्स अगर आपको आइडिया है, नॉलेज है या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो इन चीज़ों से दूर रहें या फिर एक्सपोजर काफ़ी कम रखें। रिटायरमेंट प्लान बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि अगर जो पैसा है रिटायरमेंट प्लान का वो बहुत ज़्यादा है, तब तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा है तो वहाँ आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, वो एक्सेप्शन है। लेकिन हाँ, अगर आपका जो पैसा है वो लिमिटेड है तो वहाँ पे सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। तो देखिए यहाँ पे अच्छा ये होगा कि आपके जो भी एक्सपेंसेस है उसे नोट डाउन कर लें, और जिन भी चीज़ों को हटाया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है, उसे हटा लें ताकि अपने एक्सपेंसेस को आप कम कर लें। क्योंकि यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि देखिए आप जो भी प्लान बना लें, लेकिन कुछ भी बीच में अगर कोई भी अननोन अगर खर्चे आते हैं, आ सकते हैं, लाइफ है, तो वहाँ पे उस अननोन खर्च को पूरा करने के लिए आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वहीं से पैसा जाएगा, जिसके कारण जो आपका रिटायरमेंट प्लान है वो बुरी तरह से हिट हो सकता है। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि जो भी आपका एक्सपेंसेस है उससे थोड़ा कम ही खर्च करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम बचा के रखें। रिटायरमेंट कॉर्पस का पैसा इन्वेस्ट करते वक्त इंश्योरेंस प्लान से भी बच के रहें, ज़्यादातर इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होंगे, तो वहाँ से बच के रहें आप। अच्छा होगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, एफडी में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखें। आपके फ्रेंड्स हों या फिर रिलेटिव्स हों या फिर आपके खुद के बच्चे हों, सभी जगह अगर आप किसी भी तरह का पैसा उनकी बातें सुनकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क रहें। अच्छा रहेगा कि आप खुद का थोड़ा नॉलेज बढ़ाएं और खुद से डिसीजन लें या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करके डिसीजन लें। सिर्फ इसलिए किसी का बात सुनना कि वो आपका रिलेटिव है या फिर फ्रेंड है या फिर खुद के चिल्ड्रेन है, सही नहीं होगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट का जो पैसा वो लिमिटेड है। एक बार आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, एक बार आपका पैसा चला गया तो वापस नहीं आएगा, तो लास्ट में या फिर एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम आप ही को होगा। इसीलिए एक भी पैसा इन्वेस्ट करते वक्त या फिर किसी दूसरे की बात सुनकर इन्वेस्ट करते वक्त इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि सोच समझकर पैसे को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए मार्केट डायनेमिक है ना, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर नीचे होगा, कभी रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा आएगा, कभी रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा। तो इसीलिए जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है उसे डायनेमिक रखना चाहिए, कि समय के साथ अगर थोड़े चेंजेस करने हो तो वो भी करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।